हेलो फ्रेंड्स, हॉस्ट प्लैनेट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस हॉस्पिटल में पेशेंट का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। ये आपका वन ऑफ द रिनाउंड हॉस्पिटल है बेंगलोर में, तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। तो बहुत ही आपका रिनाउंड और आपका पॉपुलर हॉस्पिटल है बेंगलुरु में। इस हॉस्पिटल का निर्माण 1963 में हुआ था कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि ये मेडिकल कॉलेज है। इसमें बहुत बहुत इसका कैंपस जो बहुत ही बड़ा है, और इसमें टोटल दो बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग और नया बिल्डिंग। तो इसमें टोटल जो बेड्स है 2000 है, और इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है SMBT। तो SMBT रेलवे स्टेशन से बेंगलोर के आप 10 किलोमीटर के अंदर में आते हैं सेंट जॉन्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का एड्रेस है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, माराथाहली रोड, बिसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा, जॉन नगर, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक। फोन नंबर भी दिया गया, फोन में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा और रिनाउंड हॉस्पिटल है और बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है। तो इसमें देखिए, सेंट जॉन्स में पहले तो आपको जो फीस लगेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 30 रुपीज़ लगेंगे, और अगर आप OPD में कंसल्टेशन चाहते हैं तो 2 बजे के पहले, तो उसमें आपको 200 रुपया लगेंगे, और अगर इवनिंग में आप कंसल्टेशन लेंगे तो 550 रुपया लगेंगे। फर्स्ट फॉलोअप पे अगर जाएंगे तो उसमें आपको 100 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन सेकेंड फॉलोअप में जाएंगे तो आपको सेम जो आपको जो कंसल्ट फी है वो आपको सेम प्रोवाइड करने होंगे। तो इस हॉस्पिटल में जो कि मेडिकल कॉलेज भी है, तो ज़्यादातर डॉक्टर सब आपका प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो कोई कोई डॉक्टर मॉर्निंग में अवेलेबल रहते हैं, कोई कोई डॉक्टर आपका इवनिंग में अवेलेबल है। तो आपको कौन डॉक्टर को बाकी किस डिपार्टमेंट में दिखाना है, तो उस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट लेना है। तो चलिए, इसका वेबसाइट जो है वहाँ पर लेके चलते हूँ। आप कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट है, सारे डिटेल्स आपसे शेयर करने के लिए इसके वेबसाइट पर आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट जॉन हॉस्पिटल बेंगलुरु का। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या क्या डिपार्टमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। कार्डियोलॉजी है, पल्मोनरी मेडिसिन है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, पीडियाट्रिक होम्यो, हेमाटोलॉजी, ऑनकोलॉजी है, डर्माटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, डिवीजन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी, ऑप्थल्मोलॉजी। तो बहुत सारे आपका जो एक हॉस्पिटल में जनरली जितने भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सब डिपार्टमेंट्स इसमें है। ENT है, हेड एंड नेक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, जनरल सर्जरी, सब है, गायनेकोलॉजिकल, ऑनकोलॉजी, न्यूरो सर्जरी। तो बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। तो आपको कैसे जाना है, इसका दो आपका बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग एंड पुराना बिल्डिंग। तो आप देखिए, OPD में किसी भी दिन मंडे से सैटरडे में आप जाके दिखा सकते हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। संडे खाली आपको हॉलीडे है। तो पहले आपको देखिए, इसका जो विजिटिंग टाइमिंग है, तो उसमें जाके आपको OPD में इंक्वायरी है साइड में, तो आपको जाके इंक्वायरी करना है, और फिर आपको हेल्प डेस्क में जाके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, काउंटर 42 में जाना है, और किस डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद वो बता देंगे, और काउंटर के आपको डिपार्टमेंट के नाम बता देंगे, वहाँ पर जाके आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट साइड में आपको सब कुछ दिया गया है जनरल, आपको वेबसाइट से भी सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कोई भी ब्रोकर या दलाल के चक्कर में ना पड़े, तो इसीलिए मैं ये सब वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्पिटल के अलावा। देखिए, बैंक है, चैपल है, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स है, कैंटीन, ग्रोसरी, ऑप्टिकल्स, ATM, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। स्टडी बूथ, जेरोक्स, फैक्स, लेमिनेशन, पार्किंग एरियाज, ऑडिटोरियम्स, लाइब्रेरी, सब है। आप यहाँ पर एकोमोडेशन फैसिलिटी भी है, जिसको बिहारा बोला जाता है। तो देखिए, अगर पेशेंट आपका एडमिट है, तो आप रिलेटिव्स के लिए 75% 5 रुपीस में आप वहाँ पर रह सकते हैं पेशेंट के साथ। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है। तो आप किसी भी, और उसके अगल बगल में, हॉस्पिटल के अगल बगल में भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है या लॉज है, तो वहाँ पर भी जाकर रुक सकते हैं। अन्य तो हॉस्पिटल में भी आपका डॉर्मेटरी या एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपका पेशेंट एडमिट है तभी। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ है, कॉमन बाथरूम है, टॉयलेट फैसिलिटी सब कुछ है। तो देखिए, यहाँ पर आप डॉर्मेटरी या इसमें जाके, आप विजिटर्स एकोमोडेशन में जाके सारे डिटेल्स लिखते हैं, कितना क्या फीस लगेंगे, यहाँ पर सब कुछ दिया गया। टोटल देखिए, रूम जो है
98 है, तो सारे रूम्स का देखिए यहाँ पर चार्जेस दिया गया है, रूम्स में क्या क्या रहेंगे सब कुछ दिया गया, सारे डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक्वा गार्ड भी अवेलेबल है, तो गीजर भी है सोलर फॉर हॉट वाटर के लिए भी है। तो देखिए डॉक्टर के फीस यहाँ पर दिया गया है कि चार्जेस आपका 500 है रूम चार्जेस पेशेंट के साथ, अगर दो पेशेंट रहेंगे तो आपको पेशेंट और एक एक पर्सन के लिए 500 है, अगर आपको पेशेंट के साथ दो आदमी रहेंगे तो उसके लिए एडिशनल 100 रुपीज 100 रुपया जुड़ा जाएगा। रूम चार्जेस फॉर डॉक्टर्स इसमें भी दिया गया है 300। तो यहाँ पर कौन सा फ्लोर में कौन डॉक्टर है, कौन सा पेशेंट में केयर टेकर्स का रूम है, सब यहाँ पर स्टोर रूम कहाँ पर है सब इसमें डिटेल्स में दिया गया है। ये थे सेंट जॉन्स हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।